श्वेता कॉलेज की तरफ से जो एनुअल फेस्टिवल होता है उसका मृदंग का ओपनिंग आज हुआ है और इसमें हर तरह की एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स है, एक्टिंग है, डांस है, म्यूज़िक है, फैशन शोज़ है, हर तरह की मतलब हमने ऑल इसको कवर करने की कोशिश की है कि ऑल कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है इसमें बच्चों को पार्टिसिपेट किया हुआ है और इसमें करीब 35 कॉलेज एंट्री अभी तक आ चुकी है और अभी कंटिन्यूस एंट्री चालू है। और इस तरह का ये जो इवेंट है इससे मेन तो जो जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी एनकरेजमेंट मिलता है, जिस तरह से उनके अंदर जो भी स्किल्स है उनको बाहर आने लाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा माध्यम है जो हम मृदंग के थ्रू हमारे स्टूडेंट्स को और जो इंटर कॉलेजेस आती है उनको हम दे रहे हैं। तो ये पूरा आयोजन कितने दिन चलेगा और इसमें किस तरह से डेट्स आने वाले हैं? ये आयोजन 2 दिन का प्रोग्राम है और इसमें जैसे दिन के 3 स्लॉट हमारे प्रोग्राम के हैं और उसके बाद जो चौथा इवेंट है, एक दिन के 4 इवेंट है, उसमें से 3 इवेंट जो स्लॉट वाइज हमने रखे हैं और उसके बाद जो शाम का डीजे नाइट है वो करीब 7 to 10 की डीजे नाइट का प्रोग्राम है। ऐसे टोटल 2 दिन का डीजे नाइट है। फर्स्ट डे है वो अली मर्चेंट का डीजे नाइट है और सेकेंड डे जो है वो TNO का, जो कि गोवा सनबर्न का काफ़ी फेमस डीजे हैं, उनको हमने अपॉइंट किया हुआ है। देखिए इसमें कैसा है ना, हर बच्चे का एक अपना स्किल होता है, जिस तरह से इसमें से बच्चे निकल रहे हैं, इसमें से काफ़ी करीब 3 साल का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो हमारे 3-4 बच्चे हैं जिनको सीरियल और इस पे काम मिलना शुरू हुआ है और आगे भी जो भी है जिसमें कि पैनल कैमरा है जो कि मार्केटिंग और ये देख रहे हैं, उन्होंने भी हमें प्रॉमिस किया है कि यहाँ से जो भी बच्चे अगर बाहर निकलते हैं अपनी स्किल लेकर और अगर उनके अंदर वो टैलेंट है तो उनको हम ज़रूर प्लेटफॉर्म देंगे। तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि हमारे जो भी बच्चे यहाँ से निकलते हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए रीना मेहता कॉलेज किस तरह का काम कर रहा है? प्रोत्साहित करने के लिए ही ये प्रोग्राम जो आज हम 2 दिन रखते हैं, इसीलिए ये करीब दिन भर के जो इवेंट्स हैं तो ये उनको प्रोत्साहित करने के लिए ही आयोजन किया जाता है कि जिसके थ्रू ये लोग एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, उनके अंदर जो टैलेंट है, जो एक्साइटमेंट है कुछ करने की, वो इसी मृदंग के थ्रू बाहर आती है और इसकी प्रैक्टिस करीब 1.5 महीने से चल रही है और इसी तरह से ये बच्चे इसमें पूरे प्रिपेयर होकर आते हैं, डांस ये सब प्रैक्टिस करते हैं और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म इसमें मिलता है क्योंकि ये इंटर कॉलेज होता है। तो इसमें सिर्फ हमारी कॉलेज ही नहीं बाकी की कॉलेज के साथ भी का कॉम्पिटिशन है। दिस इज ग्राउंड में सेकेंड ईयर, ग्राउंड में बड़े इतने बड़े पैमाने पर ये सेकेंड ईयर है। लास्ट ईयर भी आई वॉज प्रेजेंट ईयर और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इतने 35 कॉलेज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट्स रियली कमेंडेबल। सनी भाई, नरेंद्र सर, रीना जी जो इतनी एफर्ट्स ले रहे हैं और बच्चों को काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं है रीना मेहता कॉलेज मैनेजमेंट और उनके स्टाफ के साथ। थैंक यू सर। आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक इंटर कॉलेज फेस्टिवल है दैट इज ऑर्गेनाइज बाय रीना मेहता कॉलेज इन एसोसिएशन विद MR इवेंट्स। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 कॉलेजेस अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो अभी तो ये दिन चालू हुआ है, 2 दिन का और इवेंट है, तो अप्रॉक्सीमेटली 20-30 कॉलेजेस और इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो इफ़ यू सी अप्रॉक्सीमेट क्राउड एस्टिमेशन मेरा रात तक का या कल दोपहर तक का टोटल फुटफॉल नहीं करके अप्रॉक्सीमेटली 5,000 to 7,000 तक जाएगा। सो इट्स अ वेरी बिग इवेंट दैट्स हैपनिंग एंड इफ यू सी दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल दैट्स देयर फ्रॉम बिटवीन विरार टिल अंधेरी। जिस पैमाने पर जा रहा है, आई मीन इफ यू सी इन नेक्स्ट 2 or 3 ईयर्स माइट बी विल बी द नंबर 1 फेस्टिवल ऑल ओवर इन बॉम्बे। देखिए, कैटेगरीज होती है, फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज। हम कैश प्राइज ज़्यादा देते नहीं हैं क्योंकि बच्चों को हम कैश देना प्रेफर नहीं करते, इसके लिए हम उनको मोमेंटो सर्टिफिकेट्स और वो सब बांटते हैं ताकि वो उनको आगे करियर में कहीं ना कहीं काम आए। सर, आप मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो मृदंग जो रीना मेहता कॉलेज हमेशा हर साल ऑर्गेनाइज करती है, ये हम लोग इसको उत्सव के रूप में नहीं मगर एक महाउत्सव के रूप में इसको हम देखते हैं और जितने 35 कॉलेजेस को सनी सर ने बताया कि 35 कॉलेजेस जिसमें इंटर कॉलेजिएट मीट है, जिसमें बच्चों को स्किल्स उनके अंदर क्या है, टैलेंट्स क्या है, वो एक उभारने का उनको यहाँ मौका मिलता है। काफ़ी कॉलेजेस मुंबई के यहाँ आए हैं
और पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये हमारे टाइटल बोलना ये वी आर रियली हैप्पी टू बी ए पार्ट ऑफ दिस शो। इट इज़ अ सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स। जिस हिसाब से ये कॉलेज स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, जिस हिसाब से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है, एक सोच है, एक नया कदम है हम लोगों ने एज ए प्रोडक्शंस ये काम कर रहे हैं। बट ये अपने आप में बहुत से डिफरेंस है, जिस हिसाब से स्टूडेंट्स को प्रतिभा को, जैसे आप सर ने बोला, सनी जी ने बोले, जो नए प्रतिभा को आगे लाना है उसके हिसाब से एक प्रोग्राम को देना है। सिर्फ शिक्षा नहीं, उसके साथ बहुत सारी चीज़ है जिसको रीना मेहता कॉलेज आगे लेके आ रहा है एंड वी आर रियली हैप्पी टू पार्ट ऑफ एंटायर दिस थिंग्स। हाय एवरीवन, दिस इज नवीन शर्मा। वेल आई एम एंड आई थिंक वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि और स्टूडेंट्स को मैं पूरी जितनी भी अच्छी विशेज होती हैं सब देना चाहता हूँ। बिल्कुल तैयार रहें, डोंट बी नर्वस, बी प्रिपेयर्ड। एंड एज आई हैव हर्ड दैट यू नो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग हियर टू जज दिस एंड लाइक देयर विल बी लाइक लॉट ऑफ पीपल हियर एंड अच्छा वाला कॉम्पिटिशन है, टफ कॉम्पिटिशन है एंड आई जस्ट विश देम लक और बहुत ही जल्दी मिलने वाला हूँ उनसे अंदर। एंड आई हैव हर्ड दैट आज डी जे नाइट भी है एंड अली मर्चेंट इज़ प्लेइंग, सो विल बी सम कूल स्टफ, एंटिसिपेटिंग अ लॉट ऑफ फन। यस यस जी हाँ, मैंने ये भी सुना है कि मोर देन यू नो समवेयर अराउंड 35 टीम्स आर देयर, सो दिस विल बी लाइक यू नो दैट्स समथिंग रियली ह्यूमंगस और बहुत बहुत फन हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। और यू नो लाइक आई दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माय कॉलेज डेज एंड यू नो स्कूल डेज, तो आई जस्ट विश देम लक कि अच्छे से अच्छा वो लोग परफॉर्म करें। हाय एवरीवन, दिस इज शीतल तिवारी। यू मस्ट हैव सीन मी इन स्पेट्सविला एंड अदर शोज। हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल तिवारी। यू गाइस मस्ट हैव सीन मी इन स्पेट्सविला एंड अदर शोज। सो या, मैं परफॉर्म नहीं करने वाली, जजेस हैं, स्टूडेंट्स परफॉर्म करने वाले हैं। यही मैसेज देना चाहूँगी कि मे द बेस्ट टीम विन और बाकी अच्छा सब अच्छा करे और क्या। एवरीवन, दिस इज अंशुला धवन एंड यू मस्ट हैव सीन मी इन स्प्लिट्सविला दिस ईयर। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द होल शो। इधर 32 to 35 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड देर आर लाइक 4,000 to 5,000 पीपल कमिंग दिस टाइम। इट्स अ ह्यूज इवेंट, इट विल गो ऑन फॉर लाइक 2 days। 18 to 19 सेलिब्रिटीज़ विल बी हियर और अराउंड लाइक 25, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द होल शो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट वॉन्ट टू विश ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑल द बेस्ट। लाइक आई जस्ट वॉन्ट देम टू हैव फन एंड हैव अ गुड टाइम एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ऑफ कोर्स याद आता है, मैं अभी भी पढ़ ही रही हूँ, आई एम स्टिल डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मुझे आई एम वेरी मच अ स्टूडेंट। आई जस्ट थिंक कि कल्चरल इवेंट इज़ वेरी मच फन, मतलब हम लोग साल भर पढ़ के वी गेट वेरी बोर्ड एंड वी नीड अ ब्रेक फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, सो इट्स अ ग्रेट टाइम टू हैव फन एंड एन्जॉय विद फ्रेंड्स।